तो चलिए फिर से मायापुर में हम आ गए, देखिए काऊ देख रहे हैं। अभी हम गौशाला में जाएंगे। गौशाला में जाने के लिए ये गौशाला में जाने के लिए ये काऊ कार्ट आपको लेना ज़रूरत है। और इधर में आकर देखिए गाड़ी है, गाय का गाड़ी है, इस गाड़ी में आपको गौशाला ले चलेगा। और गाय भी है, बहुत ही अच्छा बड़ा बड़ा, बहुत ही बड़ा बड़ा गाय है, देखिए बहुत ही बड़ा बड़ा गाय है। ये ले चलेगा हम लोगों को गौशाला। देखिए अभी हम गौशाला में जा रहे हैं। गौशाला में इस ये जो रास्ता है ये 5 से 7 मिनट लगेगा भाई, पैदल 5 से 7 मिनट भाई पैदल आपको लगेगा। आप अगर काउ कार्ट में जाना चाहते हैं तो आ सकते हैं, 10 रुपये लगेगा आपको, 5 मिनट में आपको इधर में आपको यू कैन रीच द डेस्टिनेशन एंड बिटवीन द 5 मिनट्स। गौशाला से जाने से पहले ये गौशाला के थोड़े से सामने ये यू कैन सी द सम लैंडमार्क एंड लोकेशन। देखिए इधर में श्रुति भवन है, ये बहुत सारा बिल्डिंग है जस्ट लाइक इंग्लैंड, इसका नाम श्रुति भवन। और ये भी देखिए गौशाला में हम आ चुके हैं। देखिए हम इधर से भी गौशाला आप देख सकते हैं, टोटल आ चुके हैं हम। देखिए हम बाहर से देख रहे हैं, देखिए गौशाला ऑलरेडी हम जा चुके हैं, आ चुके हैं। देखिए इस साइड में भी गौशाला है, ये देखिए गौशाला, कुछ खाने के लिए मांग रहा है। तो ये घर में जो गौशाला है, गौशाला की जो बाहर का जो साइड है वो साइड में आपको ऐसे यू कैन सी दिस लाइक दैट। देखिए ये गौशाला है, ये गाय पे है, काउ शेड और काउ हाउस, इसमें आपको बहुत सारा गौ माता है आपको देखने को मिलेगा। ये गौ माता है। और इधर में और भी एक गौशाला का गोरु का गाड़ी गौशाला काउ ब्लॉक कार्ट, देखिए बहुत ही सुंदर। ये गौ माता नहीं है, ये बौलद है, बहुत ही कितना सुंदर देखिए। देखिए ये बौलद है, दो है इधर में गौशाला आने के लिए आपको 2 बैलगाड़ी आपको मिलेगा। देखिए बहुत ही सानबत कर रहा है, मुझे लग रहा है सब गाय सान बथिंग में मज़ा ले रहे हैं। ये तो आंखें भी बंद कर चुके हैं, देखिए आंखें भी बंद कर चुके हैं। इसको सींग देखिए बहुत ही कितना सुंदर सींग है, बहुत सारा गाय है, ये देखिए बहुत सारा कितना सुंदर गाय है। ये एक्चुअली गाय ही है, देखिए उस पर उसका जो नीचे है दूध है, आपको दूध खाना है तो आप गाय माता को आप अगर कहे तो दूध देने के लिए तो दूध। देखिए उधर से बहुत से गाय आ रहा है, केयरफुल्ली आपको, मैं उधर में नहीं जा पाऊँगा। गायशाला में आपको अगर आना है तो केयरफुली आप अंदर में आए, नहीं तो ये जो बाहर से आ रहा है ये आपको देखिए ये आ रहा है, इस रास्ते से ही आ रहा है, तो केयरफुली आप थोड़ा सा संभाल कर चले, नहीं तो ये आपको नुकसान कोई भी
कोई भी गाय आपको नुकसान नहीं करेगा। देखिए इसमें और भी एक सुंदर गाय है, इसका हेड देखिए राउंड टाइप का है ये हेड। ये सब राजस्थान के गाय से है, जो वेस्ट इंडिया में जो गाय रहते हैं ये इसी के तरह गाय है। हाँ ये दूध देने वाला गाय है, देखिए ये दूध इधर में, देखिए इधर में एक बच्चा भी है, देखिए कितना सुंदर बच्चा है, देखिए कितना सुंदर दूध खा रहा है। आपको अगर देखना है, देखिए हम इधर में लच इसका जो दूध का बाट है, देखिए ये देखिए दूध दूध का बाट बहुत ही बड़ा बड़ा होता है इसका, देखिए बहुत ही बड़ा होता है। और साइज में देखिए इसका, ये छोटा सा बाछू, छोटा सा, बहुत ही प्यारा है। इसके साथ गौ माताएँ हैं, तीनों ही हैं गौ माताएँ। और दूसरे साइड में है, ये तो बेचारा अकेला ही खड़ा हुआ है। इधर में देख रहे हैं, ये जब ये देखिए कैसे किसी को बुलाता है। अभी बहुत ये क्रेजी हो चुका है, देखिए ये क्रेजी होने का, ये जब क्रेजी होंगे इसका ऐसे ही देखेंगे। ये क्रेजी नहीं है, ये लग रहा है इसको एक गोमाताएं चाहिए, मिलन करिए उत्सुक हो रहा है। इधर में देखिए बहुत सारा छोटा छोटा गाय है, सभी लड़का है। और इसमें देखिए इधर में भी सब, ये दूध देने वाला गाय है, ये दूसरे टाइप के गाय है, दूसरे टाइप के गाय है। देख विजिटर आ चुका है, ये अभी खा रहा है। देखिए कैसे खाते हैं, आप देखिए कैसे खाते हैं। ये खौर और घास का कटा हुआ हिस्सा है, ग्रीन ग्रास, और जो उसमें बिचाली है, बिचाली को काट कर ये बना है। देखिए सब खा रहा है। एक दो करके विजिटर आ चुका है इधर में। ये इसका फेस बहुत बहुत सुंदर है, इसका फेस, ये वेस्ट बंगाल का ब्रीड है, ये वेस्ट बंगाल का ब्रीड है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो ब्रीड होता है उसका जो फेस होता है उस बहुत सुंदर होता है, और इसका रंग थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का होता है। देखिए इसको कहते हैं शार, ये दोनों ही शार है, एक छोटा है और इसका गार्जियन है ये। और जो ये जो गाय आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा देखिए इसका आंखें बहुत ही एंग्री टाइप का है, इतना सुंदर नहीं है, आंखें बहुत ही एंग्री टाइप का है और सींग बहुत ही ज़्यादा शार्प है। ये मिडिल इंडिया के है, यानी जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का ये गाय है। देखिए ये उत्तर प्रदेश का गाय है, उत्तर प्रदेश का गाय ऐसे होता है, देखिए ये उत्तर प्रदेश का ब्रीड है। और देखिए
थोड़ा सा एंग्री होता है। ये देखिए ये इसका साउंड, देखिए उत्तर प्रदेश का गाय थोड़ा सा एंग्री टाइप का होता है, थोड़ा सा रागी टाइप का होता है। इसको कभी भी पकड़ने का कोशिश मत कीजिए। देखिए और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर हेल्दी नहीं होते। ये देखिए साइड से बहुत गाय आ रहा है और मुझे लग रहा है इधर से भी गाय आ रहा है। थोड़ा सा संभल के आपको जाना पड़ेगा। और इधर से भी गाय आ चुका है, देखिए मेरा साइड से सब गाय आ चुका है। थोड़ा सा इस समय आपको थोड़ा सा एक साइड में आपको देखिए थोड़ा सा सावधानी आप बरते, नहीं तो ये कुछ आपको नुकसान नहीं करेगा। इसका सींग बहुत ही सुंदर सुंदर सींग है। और ये जो गाय आप देख रहे हैं इसको जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ इसका बहुत ही हिम्मत होना चाहिए और आपको तो थोड़ा सा लाइक देना पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत हिम्मत से मैंने इधर में आया और ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। इस मैं एकदम अनजान आदमी हूँ, देखिए ये खेल रहा है। आप अगर उन जानवर पर कुछ नहीं करेंगे तो ये भी आपको कुछ भी नहीं करेगा। सब लोग आ चुका है, सब जो गाय है देखिए सबसे सुंदर गाय है, देखिए सबसे कितना सुंदर गाय है। उसका जो सींग है बहुत ही बड़ा सींग है। ये जो दो गाय है ये दो गाय का सींग बहुत ही बड़ा सींग है, देखिए कितना सुंदर सींग है। और ये खा रहा है और इसको रैली करने के लिए ये दो जो बलद है ये बलद को लेते हैं, ये दो बलद को देखिए इसका जो गले का में बहुत गले का नीचे देखिए बहुत सुंदर गाय चुप है, ये रैली के लिए लेता है। देखिए कितना सुंदर गाय है, क्योंकि इसका जो सींग है सींग बहुत ही बड़ा बहुत ही देखने को सुंदर है, इसलिए देखिए ये पानी खा रहा है। मैं इतना सामने नहीं जा पाऊँगा। देखिए बहुत ही सुंदर गाय है। इधर में जो इस्कॉन में जो राधा माधव को जब जब रॉथ में या गाड़ी में लेते हैं उसके लिए ये दो बलद को इस्तेमाल करते हैं, ये दो बलद। आप अगर मायापुर में आए तो कभी कभी ये दो जो बैल है बैल को आप देख पाएंगे, जो राधा माधव भगवान कृष्ण का गाड़ी कभी कभी टांगता है, ये तो भाग्यशाली तो बलद है। अभी हम थोड़ा सा सामने से बहुत ही कितना सुंदर देखिए और अभी बज रहे हैं 1:10 बाकी है। अभी सब जो गौशाला है सब खाली पड़ चुका है, ये समय इतना अच्छा समय नहीं है ये गाय देखने का। आपको मॉर्निंग में आएंगे और आपको जो इवनिंग में है इवनिंग में आपको आना पड़ेगा। अभी हम गौशाला आपको दिखा चुके पूरा, देखिए बहुत उधर में भी बहुत सारा गाय है दिखा चुके। अभी हम बाहर जाए, देखिए ये गौशाला का एंट्रेंस है, ये गौशाला इधर से आता है, ये इधर से आपको ऐसे 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 करके चलना पड़ेगा, गौशाला का एंट्रेंस है। और गौशाला के पीछे जो है
ये है पीछे, और मिठाई का दुकान भी इधर में है, और गौशाला का जो घी है आपको इधर में यू कैन गेट द गो घी, काओ घी, ओरिजिनल काओ घी और स्पेशल काओ घी फ्रॉम दैट आउटलेट। देखिए अभी ये बाहर के बाहर में काओ काट है, देखिए कितना सुंदर गाय है, और इसमें रथी बैठा है, और देखिए कितने पैसेंजर है, 1, 2, 3, 4, बहुत बड़ा ही गाड़ी है। इसमें आप गौशाला में आ पाएंगे इस बैलगाड़ी में। और मैं अभी बाहर आ रहा हूँ, ये देखिए फिर से और एक दूसरे टाइप की गाय है, ये दूसरे टाइप की गाय है, ये देखिए दूसरे टाइप की गाय है। और मैं बाहर आ चुका, मेरा ये गौशाला पूरा देखना कंप्लीट हो गया। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।